हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, मैं आज फिर से एक ट्रेन जर्नी करने जा रहा हूँ, तो मेरी इस नई ट्रेन जर्नी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की जो मेरी जर्नी है वो है अमृतसर से चलकर बिलासपुर को जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। दोस्तों, इसका ट्रेन नंबर है 18238 और मैं इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफ़र करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मेरी जो ट्रेन है वो है 11:36 पर। तो दोस्तों, अभी काफ़ी समय है, तो अभी मैंने खाना वाना नहीं खाया है। चलिए चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली हम खाना वाना खा के आ चुके हैं और अब समय हो रहा है 11:20 और मेरी जो ट्रेन है वो आने वाली है। दोस्तों, रात का समय है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ शेड के बाहर क्यों बैठा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बाहर जो है काफ़ी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए मैं बाहर बैठा हूँ। अगर दिन का समय होता तो मैं वहाँ पीछे सेट के नीचे बैठा होता। दोस्तों, रात का समय है और स्टेशन देखो काफ़ी सुना लग रहा है। दोस्तों, अगर इस स्टेशन पर खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको चाय पानी और स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पर प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको खाना है तो आप बाहर जाकर खा सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी गया था बाहर, खा के आया, 2 पराठे खाया। पराठा गर्म तो था पर टेस्टी नहीं था। फ़िलहाल क्या करें, बाहर हैं तो काम तो चलाना पड़ेगा, अगर पेट भरना है तो। कोई नहीं, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अपने ट्रेन के टाइम पर, 11:36 पर। दोस्तों, फाइनली यमुनानगर से हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और अब आपसे मिलते हैं सीधे सहारनपुर जंक्शन पर, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, फिलहाल अभी रात का समय है और रात को तो आपको दिखा नहीं सकते हैं।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली सहारनपुर जंक्शन, और यहाँ पर इस ट्रेन का केवल 5 मिनट का हॉल्ट है, और 5 मिनट के हॉल्ट के साथ ये ट्रेन यहाँ से चल जाएगी। दोस्तों वो रहा मेरा कोच S2, और सामने भी एक ट्रेन खड़ी है जो है हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली। दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए देखो स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। चले चलते हैं अपनी ट्रेन में, क्योंकि यहाँ पर इसका केवल 5 मिनट का हॉल्ट है। तो ठीक 12:49 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर सहारनपुर जंक्शन से हो चुका है। दोस्तों ट्रेन हमारी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, और आगे जो हमारा स्टेशन आने वाला है वो है मुजफ्फरनगर। चलिए आपको दिखाते हैं मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का अराइवल। दोस्तों हम हैं अभी फ़िलहाल अभी मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर ये ट्रेन केवल 2 मिनट रुकती है। दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है और स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन केवल 2 ही मिनट रुकती है, और आपको दिखाते हैं यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, और जब मेरी आँख खुली तो हम स्किप कर रहे थे दौराला स्टेशन को। चलिए आपको दिखाते हैं दौराला स्टेशन।
दोस्तों जहाँ से मैंने इस ट्रेन को बोर्ड किया है वहाँ से ही ये ट्रेन एकदम सही टाइम से चल रही है और अपनी रफ्तार को मेंटेन किए हुए है। दोस्तों बात की जाए इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी की, ये ट्रेन ऑन टाइम चल रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस काफ़ी पुरानी ट्रेन है और ये अमृतसर से गरवा रोड के बीच चलने के लिए खास तौर पर जानी जाती है। दोस्तों शुरुआत में इस ट्रेन में ICFP कोच लगा करते थे और अब इस समय प्रेजेंट टाइम में इसमें LBHT कोच हैं जिनकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है इसलिए इसे 110 KPS पर चलाया जाता है। दोस्तों मैं सो गया था और जब मैं उठा तो देखा कि मेरी ट्रेन जो है वो मेरठ स्टेशन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। चलिए आपको दिखाते हैं मेरठ स्टेशन रेलवे स्टेशन। तो हम हैं अभी फ़िलहाल मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों मेरा कोच है आगे की तरफ और ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म साइड से थोड़ा आगे आकर रुकी हुई है और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है जिससे ट्रेन जो है और प्लेटफॉर्म सही से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और 2 मिनट के हॉल्ट के साथ ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर क्योंकि ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और ट्रेन अब चलने ही वाली है। दोस्तों हम 195 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचने वाले हैं गाज़ियाबाद। चलिए आपको दिखाते हैं गाज़ियाबाद पर अराइवल। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली गाज़ियाबाद जंक्शन पर और यहां पर इस ट्रेन का जो अराइवल था वो था 3:28, लेकिन ट्रेन यहां जो पहुंची है 3:36 पर। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहां पर इस ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर इस स्टेशन से। दोस्तों गाज़ियाबाद को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारे रूट निकलते हैं, जैसे कि एक रूट है दिल्ली गाज़ियाबाद होते हुए कानपुर सेंट्रल से हावड़ा तक का रूट निकलता है। दूसरा रूट जो है ये गाज़ियाबाद मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ तक वाला रूट निकलता है और एक रूट है जिस रूट से हम लोग आ रहे हैं ये मुजफ्फरनगर सहारनपुर और अम्बाला कैंट के रास्ते अमृतसर को जाता है, तो इसीलिए इस स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा
स्टेशन भी है जो कि दिल्ली के करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। चलिए अब हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, अब हमारा केवल लास्ट स्टेशन रह गया है वो है हजरत निजामुद्दीन। वहाँ देखते हैं कि यह ट्रेन ऑन टाइम पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। वैसे तो ट्रेन अपनी टाइमिंग से ही चल रही है, बस यहाँ पर केवल 8 मिनट की देरी से पहुँची है जो कि शायद कवर कर ले रास्ते में। दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। चलिए आपको दिखाते हैं वहां का अराइवल। तो दोस्तों फाइनली 210 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन। दोस्तों अगर ये ट्रेन जर्नी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।